हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। अभी मैं हूँ इन द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता में आ गया हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे माँ दुर्गा के सिद्ध मंदिर हैं। मैं अभी जाने वाला हूँ माँ दक्षिणेश्वर टेम्पल में। मेरे पीछे ये बाली स्टेशन है। अगर कोई कोलकाता आता तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा डोंट टेक एनी कैब्स, क्योंकि यहाँ का बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है लोकल ट्रेन या फिर मेट्रो ट्रेन यहाँ पर ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करो। बट अगर ट्रैवलिंग का बेस्ट मज़ा अगर चाहिए तो यहाँ का लोकल ट्रेन। मैं अभी जाने वाला हूँ स्टेशन से, मैं उतर चुका हूँ लोकल ट्रेन से, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दक्षिणेश्वर टेम्पल के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के लिए बाली लोकल स्टेशन में, लोकल ट्रेन स्टेशन में आप उतरोगे तो वहाँ से 10 रुपये की टिकट है। वहाँ से आपको बस लेना पड़ेगा जो दक्षिणेश्वर मंदिर के एकदम जो फाइनल स्टॉपेज है या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। बीच में बाली ब्रिज भी आता है गंगा नदी के ऊपर, विच इज़ एन अमेजिंग व्यू। अगर आप आते हो तो उस बस का सफ़र तो आपको पक्का करना चाहिए टू गेट द मेसमराइजिंग व्यू ऑफ द गंगा रिवर फ्रॉम द बाली ब्रिज। तो यहाँ पर मैं माँ दक्षिणेश्वर टेम्पल के प्रांगण में पहुँच चुका हूँ। जोर से अनाउंसमेंट भी आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ है, मैं मंदिर में अंदर जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये प्रांगण है, बहुत सुंदर सा म्यूज़िक यहाँ पे ऑलरेडी सुबह के 6:30 बज रहे अभी से चल रहे हैं। और यहाँ पर उन पेड़ों के पीछे माँ दक्षिणेश्वर का भव्य मंदिर और कोलकाता का सबसे जागृत माँ दुर्गा का मंदिर माँ दक्षिणेश्वर। ये मेट्रो स्टेशन है, इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन में नहीं, फुटओवर है और उसके आगे ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट के ऊपर सिंह बड़ा सा माँ का वाहन यहाँ पर, और यहाँ से सारे एंटर करते हैं। इस तरफ अगर चलें तो यहाँ पर क्लोक रूम है जहाँ पर आपको मोबाइल पर्स सब कुछ जमा देना पड़ेगा, चप्पल जूते कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अंदर मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ पर मंदिर के जस्ट ऑपोजिट में ये पूरा जो गली है यहाँ पे प्रसाद का गली है, प्रसाद आप खरीद सकते हो। और ठीक इसके ऑपोजिट में माँ दक्षिणेश्वर यहाँ पर वो मंदिर है। थोड़ा सा गली के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पूरा लेन बना हुआ है। यहाँ पे हर शॉप का नंबर जो लास्ट में देख रहा हूँ वो है शॉप नंबर 27। तो ये सारा पूरा गली है, यहाँ पर आप प्रसाद का सामान आप खरीद सकते हो। चप्पल जूते यहाँ पर भी आप जमा दे सकते हो। मोबाइल के लिए अलग मंदिर का काउंटर है, वहाँ पर आप जमा दे सकते हो। और ये दोनों तरफ है लेन, इस तरफ लेन में भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। और यहाँ पर वहाँ पर मैंने 27 देखा था, लास्ट नंबर जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो है 58। ये है मंदिर का एग्जिट गेट, पीछे में थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिख रहा होगा दक्षिणेश्वर मंदिर का। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये है रानी रासमणी का मंदिर, नहीं कह सकता हूँ बट ये समाधि, इन्होंने ही दक्षिणेश्वर टेम्पल का पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था उस ज़माने में। और यहाँ से ये बगल से ही रास्ता जाता है गंगा घाट की तरफ। जो भी शरणार्थी या दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे मिलते खरीद सकते हैं 10-20 रुपये में, और गंगा जल भर के यहाँ से दक्षिणेश्वर घाट से अपने अपने घरों में ले आते हैं। सीधे जाके यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मुड़ना है और यहाँ से सीधा, और आगे में अगर आप पीछे में देखो बैकग्राउंड में वो है बाली ब्रिज, बाली का पुल। और यहाँ पे बहुत सारे साधु संतों की ब्रॉन्ज में मूर्तियाँ और पीछे में बाली ब्रिज। इस तरफ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये दक्षिणेश्वर टेम्पल का बैकग्राउंड है। ये पीछे का मंदिरों की श्रृंखला, छोटे छोटे मेन दक्षिणेश्वर टेम्पल कंपाउंड के अंदर है बट यहाँ पे छोटे 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 शिव मंदिर ये लगाए गए हैं। जो मेन मंदिर है वो पीछे है, लेकिन ये सारे छोटे 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 ये आर्टिफिशियल तो नहीं कहूँगा उसी ज़माने के, बट यहाँ पर छोटे छोटे शिव मंदिर बनाए गए। ये पुराने वाले नहीं है, पौराणिक नहीं है, दीज आर ऑल न्यूली कंस्ट्रक्टेड छोटे छोटे शिव मंदिर यहाँ पे स्थापित किए गए, शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए गए। और इस तरफ हम अगर आगे बढ़े तो ये है दक्षिणेश्वर घाट। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं सुबह सुबह। पीछे में बाली ब्रिज, दिस इज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है लेकिन
बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पर। यहाँ से थोड़ी दूर पर या कभी मैंने सुना था बोरा, जो मैंने सुना था वहाँ से स्टीमर चलता है, एक शायद चल भी गया उधर, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये रहा स्टीमर राइड यहाँ से होता है। यहाँ से सीधे आप बेलूर मठ जा सकते हो, बेलूर मठ नदी के दूसरे छोर पर है, दूसरे किनारे। ये बाली ब्रिज एक्चुअली ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि ट्रेन भी इससे पास होता है और बसेस और कार्स भी इससे पास होता है। अभी ये ट्रेन पास हो रहा है, ठीक उसके साथ अगर आप गौर से देखो यहाँ पे बसेस और कार्स, ये रहा बाइक्स, ये सब भी पास होता है। दिस इज वन सच ब्रिज जो कि जिसमें कि ट्रेन और बसेस सब पार होते हैं। ये है मेन घाट, दक्षिणेश्वर घाट, पीछे का नज़ारा आप देखो, बाली ब्रिज, यहाँ पे दर्शनार्थी स्नान करते हुए। इस तरफ देखो, दूर अगर दिख रहा है वहाँ पर भी, उस घाट में भी, वहाँ पे उतर उतर के लोग स्नान करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हो, मैंने जो किया गंगा जल कोई भी पानी की बोतल में लोग यहाँ पर भर के ले जाते हैं अपने घरों में पूजा स्थान में स्थापित करने के लिए, या फिर यहाँ पर अगर आप तौलिया लेके आए हो तो यहाँ पर स्नान करके भी ज़रूर जाओ। दक्षिणेश्वर मंदिर से मैं अभी ई रिक्शा पकड़ के सिर्फ 10 रुपये किराया लेके यहाँ पर एक और सिद्ध मंदिर आ गया। ये है कोलकाता का आद्यापीठ, आद्या मंदिर, जो आद्या महाशक्ति का मंदिर है वो यहाँ पर है। ये कोलकाता का दूसरा सबसे सिद्ध मंदिर है। सो लेट्स गो। ये पूरा इतना सुंदर मंदिर का प्रांगण है आद्यापीठ मंदिर का। पीछे में ये जो भव्य आप मंदिर देख रहे हो, ये है मेन गर्भगृह इसके नीचे। इसका लेकिन टाइमिंग होता है सिर्फ आधे घंटे के लिए, जब आरती होती है तभी मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी सब टाइम मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और दर्शन भी आप एकदम सामने जाके नहीं कर सकते, माँ का स्पर्श आप नहीं कर सकते। यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पे कीर्तन होती है जब मंदिर का कपाट खुलता है, यहाँ पे कीर्तन होता है, सारे श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर इस पोडियम पर। और यहाँ पर सीढ़ियों में भी अब देखो बहुत सारे लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम यहाँ खुदवाए हुए हैं। यहाँ पर अभी तो पूरा प्रांगण खाली है, लेकिन इस तरफ से अगर आप जल्दी आते, जैसे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से एकदम आद्या मंदिर, वो बंगाली में लिखा हुआ आद्या मंदिर, और ये पूरा भव्य मंदिर है मार्बल का, और यहाँ से आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो। सिर्फ आधे घंटे के लिए कपाट खुलता है और पूरा मंदिर का परिक्रमा, अब नीचे रास्ता भी है, यहाँ पे चढ़ के आप इनफैक्ट उतर के आप पूरे मंदिर का परिक्रमा भी कर सकते हो। ये शक्तिपीठ का साइड से व्यू है, ये पूरा मार्बल का मंदिर। यहाँ पे साइड वाले कपाट नहीं खुलते, सिर्फ सामने का ही कपाट खुलता है। और ठीक इसके सामने यहाँ पर भगवान शिव का भी एक भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, अभी मेन माँ का मंदिर तो खुला नहीं है, तो लोग यहाँ पर शिव मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आद्यापीठ मंदिर के बगल में जब आप वॉक करोगे तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे दक्षिणेश्वरी मंदिर में वहाँ पे था, यहाँ पर भी छोटे छोटे देवी देवताओं के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर स्थापित किए गए हैं। जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, ये पौराणिक है, लेकिन जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं भगवान की, ये मॉडर्न वाली मूर्तियाँ हैं, ये पौराणिक नहीं है। मेन जो पौराणिक जो सिद्ध पीठ है वो है माँ आद्यापीठ का मंदिर, जो गर्भगृह मैंने दिखाया। लेकिन यहाँ पर मंदिर के प्रांगण के साइड में आप देख सकते हो, यही पौराणिक जो एक ज़माने में शायद मैं कह सकता हूँ द्वार का ही हिस्सा होगा, लेकिन यहाँ पर अब छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए। पूजा मेरी यहाँ पर संपन्न हुई अभी थोड़ी देर पहले, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। शुरू में मैं जब आया था तो लगता था कि भीड़ नहीं होगा, बट अब पता चल रहा है कि यहाँ पे ठीक जो लोकल्स हैं पूजा के ठीक पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खैर, ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर पौराणिक जगह भी मैं आपको घुमाता रहूँगा। आज मैं बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूँ, दो सबसे सिद्ध मंदिर, देवी का मंदिर मैं घूम पाया हूँ, दक्षिणेश्वरी मंदिर और माँ आद्यापीठ का शक्तिपीठ। सो ऐसी जगह मैं घुमाता रहूँगा। और वीडियोस अगर पसंद है, डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।